यहां पर हमें एक वेक्टर स्पेस दिया है जिसको स्क्रिप्ट एम से दिखाया गया है और इसके एलिमेंट जो हैं वो टू बाय थ्री मेट्रिसेज हैं रियल एंट्रीज के एक लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी एम से एम पर डिफाइन की गई है यानी कि सेम वेक्टर स्पेस पर आपको यहाँ पर टी का रिलेशन भी गिवेन है आपको बताना है कि डिटर्मिनाट ऑफ टी क्या होगा तो सबसे पहले हम टी के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखेंगे उसको कैसे करते हैं तो सबसे पहले डोमेन के लिए हमें बेसिस चाहिए होगा तो अगर कोई भी इन जनरल टू बाय थ्री का मेट्रिस है टू बाय थ्री तो उसके लिए हमें बेसिस देखना है बेसिस क्या होगा तो मैं यहाँ पर बेसिस के एलिमेंट्स लिख देता हूँ तो वन जीरो 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 पहला एलिमेंट ये होगा फिर जीरो वन जीरो 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 सेकेंड ये एलिमेंट होगा थर्ड एलिमेंट होगा जीरो जीरो वन जीरो 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 फोर्थ जीरो 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 वन जीरो जीरो नेक्स्ट टू एलिमेंट्स होंगे जीरो 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 वन ज़ीरो और जीरो ज़ीरो ज़ीरो वन इस तरह से यहाँ पर मैं इसको ई वन कॉल कर देता हूँ ई टू ई थ्री ई फोर ई फाइव ई सिक्स सबसे पहले मैं इमेज देखता हूँ ई वन की ई वन की अगर मैं इमेज देखता हूँ तो मुझे मिलेगी ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो 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 और अगर मैं बेसिस एलिमेंट के लिनियर कॉम्बिनेशन में लिखता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जीरो ई वन प्लस जीरो ई टू प्लस वन ई थ्री प्लस जीरो ई फोर प्लस जीरो ई फाइव इंटू प्लस जीरो ई सिक्स इस तरह से मैं लिख सकता हूँ तो वन बाय वन आप यहाँ पर इमेज फाइंड आउट करेंगे बेसिस एलिमेंट की फिर ई टू फाइंड आउट करेंगे वो आपको मिलेगा जीरो 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 वन फिर टी ई थ्री वो आपको मिलेगा जीरो 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 वन जीरो जीरो टी ई फोर जीरो वन जीरो 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 टी फाइव इक्वल्स टू होगा जीरो 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 वन जीरो और लास्ट टी ई सिक्स ये आपको मिलेगा माइनस वन जीरो 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 अब इस तरह से अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में इनको लिखता हूँ तो जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा सबसे पहले जीरो 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 माइनस वन सारे एलिमेंट जीरो होंगे सिर्फ यहां पर वन होगा मैं एक बार मैट्रिक्स राइट कर देता हूँ आप यहां पर समझ ही सकते हैं ये मैट्रिक्स किस तरह हम राइट करते हैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिखी जाती है और उसके और लास्ट रो होगी इसमें जीरो वन जीरो 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 यहां पर मैं कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करूंगा और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किस तरह से करनी है जैसे कि आप फोर्थ को थर्ड पर ले गए इसको आप यहां पर ले आइए सबसे लास्ट जो सेकेंड में है स, जो लास्ट है उसको आप सेकेंड लास्ट पर ले आइए सेकेंड पर थर्ड वाली को आप फर्स्ट पर ले आइए जो थर्ड पर है उसको आप फर्स्ट पर ले आइए और जो फर्स्ट वाली है उसको आप लास्ट में ले आइए और जो सेकेंड में है उसको फोर्थ पोजीशन पर ले आइए सेकेंड वाली को फोर्थ पोजीशन पर इस तरह से जो एलिमेंटरी ऑपरेशन है अप्लाई करने के बाद आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वन जीरो 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 और लास्ट एंट्री जीरो जीरो वन जीरो 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 यहाँ पर जीरो जीरो वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन जीरो और लास्ट रो आपको मिलेगी जीरो 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 माइनस वन आपको एक डायगनल मैट्रिक्स मिली है तो डायग्नल एलिमेंट्स डायगनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनाट होता है डायगनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट यानी कि वन इंट वन इंट वन इंटू वन वन इंटू माइनस वन यहाँ से आपको डिटर्मिनांट इक्वल्स मिलता है माइनस वन